नमस्कार भैया। नमस्कार भैया मैं PI कंपनी से हूँ और आपने इसमें कौन सा खाद का उपयोग किया है? सर, मैंने इसमें बायोविटा दानेदार डाला हुआ है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनोहर पाटीदार। कौन से गांव से हो? गांव पाटली, जिला शाजापुर। तो भैया इसमें आपने बायोविटा डाला तो क्या अंतर लगा? बायोविटा जैसे ही मैंने डाला उसमें मुझे जो मैंने नहीं डाला उस खेत में और इस खेत में मुझे बहुत अंतर पाया गया। कैसे अंतर? जैसे कि इसकी शाखाएं बहुत ज़्यादा अच्छा, फैलने लगी। शाखाएं ज़्यादा निकली। हाँ, इसकी ग्रोथ भी ज़्यादा बढ़ी हुई है। हाँ और इसकी जैसे कि इसमें कालापन भी ज़्यादा है। हाँ, जैसे पानी तो अभी गिरा नहीं है, हाँ फिर भी इसमें बहुत अंतर है। अच्छा, जैसे अभी पानी कम गिर रहा है हाँ तो जैसे कि अपनी सोयाबीन पानी से मुरझा जाती है बिना पानी गिरने से। अच्छा, दोपहर के समय? दोपहर के समय। हाँ, इसमें यह भी अंतर पाया गया है कि इसमें सोयाबीन अभी मुरझाने का भी बहुत कम पानी की पूर्ति हो रही है इसमें। अच्छा, पानी की पूर्ति हो रही है, हाँ, जड़ें ज़्यादा अच्छी निकली हुई है। जड़ें अच्छी चल रही है। हाँ, उसी कारण पानी की पूर्ति होती जा रही है, कमी नहीं नज़र आ रही। कमी नज़र नहीं आ रही। हाँ, और कहीं जैसे पीला पड़ता था इधर, कहीं पानी भर जाता था तो वो भी हाँ, नहीं पड़ा? वो पानी गिरा नहीं है तो अच्छा, हाँ नहीं पीला है। भी नहीं पड़ा और हाँ, ठीक है। हाँ सोयाबीन चलो, बढ़िया है, मतलब कुल मिला के अच्छा रिजल्ट अच्छा मिला। रिजल्ट है। तो आप अन्य किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे इसके बारे में? मैं यह सलाह दूंगा कि बायोडाटा हर फसल में इस्तेमाल करना चाहिए। चलो ठीक है भैया, धन्यवाद भैया।